तो सो हेलो गाइस, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं आप लोग लेकर आया हूँ 15 अगस्त का फोटो एडिटिंग, वो भी गर्ल के साथ गाइस, ठीक है ना, विथ गर्ल के साथ मैं लेकर आया हूँ कि कैसे आप लोग फोटो एडिटिंग कीजिएगा 15 अगस्त, वो भी गर्ल के साथ दिखाते हैं आप लोग। हम यहाँ पे चलिए देखिए कुछ इस तरह से दिखिए गाइस, ये रहा मेरा पिक और ये रहा गर्ल का पिक, ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए। और बैकग्राउंड को तो बात ही मत कीजिएगा, बैकग्राउंड मैंने बहुत ही हार्ड बनाया जो कि आप लोगों को मैं दिखाता हूँ एक झलक में, देखिएगा कितना हार्ड मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड बनाया है। देख रहे गाइस यहाँ पे स्वतंत्र दिवस यहाँ पे मैंने हिंदी भी लिख दिया है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डे भी लिख दिया गया और 15 अगस्त वाला, ठीक है। देखिए मैंने कितना हार्ड यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ पे गांधी जी का मैंने यहाँ पे पिक भी डाल दिया, बहुत ही अच्छे लोगों का, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छे तरीके से हमने पिक बनाया है, ठीक है। बैकग्राउंड में PNG मैंने बहुत ही अच्छा यूज़ किया हुआ है, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस हम लोग बिना किसी देरी के सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और गाइस ये रहा कि मैं आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से बताऊँगा कैसे एडिट करना है, ठीक है। तो गाइस आप लोग बिना स्किप को देखिएगा। तो गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के हम लोग फोटो अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम इसे हटा देते हैं यहाँ से, चलिए ठीक है गाइस, और चले जाते हैं अपने अपने गैलरी में। तो गाइस अब देखिए हम चले जाते हैं गैलरी में, ठीक है। अपने गैलरी में जाने के बाद से देखिए ये रहा मेरा बैकग्राउंड कुछ इस तरह का, ठीक है ना गाइस, और ये रहा मेरा फोटो, ठीक है। तो देखिए गाइस हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, अपने फोटो को यहाँ से शेयर करेंगे और सीधे लेकर चलेंगे लाइट रूम में, ठीक है। तो चलिए मैं इसे क्या करता हूँ एक बार और शेयर करता हूँ लाइट रूम में, ठीक है। तो गाइस हमें अपने फोटो को ऐड करने से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मैंने फोटो को अच्छा बना ले थोड़ा। तो चलिए हम लाइट रूम में, यहाँ पर मेरा फोटो चला गया, मैं आप लोग दिखाया था यहाँ पर लाइट रूम में चल के, ठीक है। तो अभी चलता हूँ मैं यहाँ पे नीचे करता हूँ स्क्रॉल और दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे गाइस ये रहा मेरा ओरिजिनल पिक जो कि मैंने अभी शेयर किया आ चुका है। तो गाइस हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, देखिए क्या करेंगे गाइस, इसमें हम लाइट पे आ जाएंगे और देखिए इस तरह से कुछ हम लाइट को बढ़ा देंगे, इसे कम कर देंगे, हाईलाइट को ऊपर शेडो को बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसे व्हाइट को क्या करेंगे कम कर देंगे और ब्लैक को भी किस इतना हम लोग कम कर देंगे, ठीक है ना गाइस। अब देखिए क्या करेंगे कलर पर आ जाएंगे, ठीक है। अब कलर पे जाने के बाद से मिक्स पे चले जाएंगे, मिक्स पे आएंगे इस पे आ जाएंगे सेकंड वाले पे और इसे इतना करेंगे और इसे हम लोग इतना कर लेंगे, ठीक है ना गाइस, इसे कम करेंगे नीचे वाले को बढ़ा लेंगे, ठीक है। इतना काम हो गया। अब देखिए इतना काम होने के बाद से हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से डन कर लेंगे, ठीक है। फिर आएंगे इफेक्ट पे, इफेक्ट पर से क्लियरिटी को बढ़ा लेंगे, ठीक है। बस क्लियरिटी को बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे इस पर आएंगे तो इस पर शार्पनिंग देखो कुछ इतना थोड़ा सा बढ़ाएंगे। फिर हम फोटो के यहाँ से कर देंगे शेयर, ठीक है। और शेयर करने बाद से इस फोटो को सीधे हम लेकर चल जाएंगे यहाँ से फोटो रूम में ताकि हम इस फोटो को PNG बना सकें, ठीक है ना गाइस। तो आप लोग थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, आप लोग बिना स्किप किए हुए देखिए, ठीक है, तभी आप लोग भी ऐसा फोटो बना सकते हैं। तो चलिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, देखिए मेरा बैकग्राउंड इरेज हो चुका है यहाँ पर, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी आप सर्चिंग हो रहा है, तो अब क्या करें देखिए और बैकग्राउंड कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे इरेज हो चुका है। तो हम इसे क्या करें ऊपर थोड़ा सा उठा लेंगे, ठीक है गाइस, ऊपर कर देंगे ताकि हमारे नीचे जो फोटो रूम का लोगो है वो हट जाए, हम फोटो को अपने ऐड करें। तो फिर हम यहाँ से शेयर पर चले जाएंगे और यहाँ से इसे हम लोग हटा देंगे और फोटो कर लेंगे सेव टू गैलरी, ठीक है। तो चलिए हमारा फोटो यहाँ से देखिए सेव हो चुका है। तो एक बार हम चले तो अपने गैलरी में और देखते हैं हमारा फोटो सेव हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखिए यहाँ पर मेरा फोटो यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से PNG बन चुका है। तो ये रहा गाइस मेरा बैकग्राउंड। तो इस बैकग्राउंड को मैं क्या करूँ, हम क्या करेंगे यहाँ से सीधे शेयर करेंगे PicsArt में। तो गाइस आप लोग मैं पहले ही बता दूँ कि जो भी मैं इसमें बैकग्राउंड या PNG जो भी एडिट मतलब यूज किया हूँ, ठीक है ना गाइस, वो सारा सर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टूल्स पे आ जाएंगे, क्रॉप पे चले जाएंगे, क्रॉप पे जाने के बाद से पोस्ट साइज पे आ जाएंगे और यहाँ से हम लोग कर देंगे डन, ठीक है। इतना काम हो गया। अब देखिए इतना काम होने के बाद से देखिए हम यहाँ पे ऐड पा जाएंगे, ठीक है ना गाइस, और अपने बॉडी का PNG, ठीक है ना गाइस, जो हमने अभी इरेज का बनाया था और एक गर्ल का है वो भी हम लोग क्या करेंगे दोनों क्या करेंगे गाइस ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इधर बॉयस वाला कर लेते हैं, इधर गर्ल्स वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इधर कुछ इतना रख लेते हैं, ठीक है, और इसे भी हम लोग क्या करते हैं सॉरी अभी हम लोग इसे साइड कर लेते हैं और यहाँ पा जाते हैं, यहाँ से चलिए यहाँ पाए तो, और इसे हम क्या करते हैं इसे भी बड़ा करते हैं और हम लोग इसे कुछ इतना रख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा इधर ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चलिए कुछ इतना हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए अभी हम इसे भी क्या करते हैं इतना कुछ बढ़ा लेते हैं इस तरह से करके, ठीक है ना, इधर से हम लोग इस तरह से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और देखिए हम लोग कितना अच्छा हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से फोटो को हम लोग करते हैं डन, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा हमारा फोटो गया। अब देखिए इतना काम होने के बाद से हम चलेंगे सिंपल ड्रॉ पे, ठीक है, ड्रॉ पे जाने के बाद यहाँ से सीधे फोटो को हम लोग कर लेंगे सेव। अब सेव करने के बाद से सीधे यहाँ से फोटो को हम शेयर करेंगे और ले जाएंगे यहाँ पे सीधे हम स्केच बुक में, ठीक है। तो अब देखिए स्केच बुक में चले जाएंगे, ठीक है, और स्केच बुक में जाने के बाद से हमारा जो पहले वाला फोटो है इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है।
तो चलिए हम लोग इससे क्या करते हैं, यहाँ से पहले वाला जितना ही फोटो उतना सारा हम हटा दिए, ठीक है ना। तो ये रहा हम फोटो जो मैंने अभी शेयर किया था, तो आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद से हम आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सीधे बर्स पे, इस वाले पे, ठीक है। और यहाँ सेटिंग कुछ इस प्रकार हम रख लेंगे, और देखिए सेटिंग इस प्रकार रखने के बाद से जूम करेंगे, उसके साइज भी इतना रख लेंगे, और देखिए अपने आराम से अपने फेस पर क्या करेंगे, हल्का हल्का हमको स्मूथ करेंगे ना, ठीक है गाइस। ज़्यादा नहीं करना है, हमें हल्का हल्का ही करना है, ठीक है। देखिए मैं कितना अच्छे तरीके से हल्का हल्का ही कर रहा हूँ, ताकि हमारे फेस का, देखिए गाइस सीबी एडिटिंग में जरूरी नहीं है कि ज़्यादा फेस को स्मूथ करना, ठीक है। ज़्यादा जरूरी ये है कि हम लोग फेस को क्या करें, कलर मैच कराएं, ठीक है ना गाइस, सेकंड पर्सन वाले यानी गर्ल से, ठीक है। तो हम लोग इससे यहाँ पर गड़बड़ हो चुका है, तो यहाँ पर चलते हैं एक बार और यहाँ पर बर्स को एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा बर्स चेंज हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला बर्स था, ये वाला बर्स ले लेते हैं, और यहाँ से एकदम अच्छे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए स्मूथ करते हैं, ठीक है ना। देखिए कितना अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे स्मूथ कर रहा है, ठीक है। चलिए इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नाक के नीचे भी कर लेते हैं, और इधर भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। और इस वाले पार्ट में भी थोड़ा कर लेते हैं, और इस वाले पार्ट में भी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग चलिए इधर भी कर लेते हैं। अब देखिए अब हमारा बचा यहाँ पे गर्दन वाला पार्ट, ठीक है। तो हम लोग गर्दन वाले पार्ट में भी थोड़ा साइज को बढ़ा लेते हैं, और यहाँ से साइज को बढ़ाने के बाद से चलिए यहाँ से मेरा फोटो पता नहीं कैसे गाइस यहाँ पे हो चुका है पल्टी, यहाँ से एक बार हम लोग इसे करके देख लेते हैं। हाँ यहाँ से हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ से हो गया है, तो हम लोग इसे सॉरी यहाँ से हम बर्स चेंज हो चुका है फिर से। यहाँ नई वाला जो अपडेट हमारा आया है गाइस स्केच बुक वाला, बहुत ही अलग चीज़ आया है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कितना अच्छे तरीके से हमारा इरेज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एकदम अच्छे तरीके से क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा इतना कुछ इरेज हो गया। अब यहाँ पे साइज भी इतना कुछ बढ़ा देते हैं, और इस तरह से कुछ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये रहा मेरा, ठीक है। यहाँ से देखिए कितना अच्छे तरीके से मैं इसे करता हूँ, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पाते हैं, तो अब इस वाले हैंड पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब इतना होने के बाद से देखिए गाइस हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, फिर से आप आएंगे, इसका हम एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। और देखिए डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद क्या कीजिएगा, इस बर्स पर चलिएगा और बर्स को चेंज कर ये वाला बर्स ले लीजिएगा, और यहाँ पे कलर पे नीचे क्लिक करिएगा, और यहाँ से रेड वाला कलर बना लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो रेड वाला कलर बन गया हमारा, तो चलते हैं यहाँ से जूम करते हैं, और अपने लिप्स एकदम अच्छे तरीके से कुछ इस तरह से लगा देते हैं। देखिए कितना अच्छे तरीके से लगा दिया हमने। अभी देखिए हमारा लिप्स कितना बेकार दिख रहा है, बट अभी देखिए हम इसे क्या करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये हो गया, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो हमने डुप्लीकेट में उस ऑब्जेक्टिव कम बेस करें, तो ऑब्जेक्टिव को हम इतना रन देते हैं। अब देखिए लिप्स हमारा कितना अच्छा दिखने लगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसे शेयर करेंगे, ठीक है, ऑथर पे चल लेंगे, और यहाँ से हम इसे शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद से सीधे फोटो को ले जाएंगे स्नैपशीट में, ठीक है। अब देखिए स्नैपशीट में देखिए यहाँ पे गर्ल्स का पिक का मतलब जो स्किन कलर है वो कैसा है और हमारा कैसा है, तो हम लोग पहले दोनों को सेम कर लेते हैं। इस तरह से हम बढ़ाएंगे इसे, थोड़ा सा कम करेंगे, और इसे इतना कुछ कम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर इसे हम लोग एकदम इस तरह से बढ़ाएंगे, और ब्राइटनेस को फिर हम लोग और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा ये हो गया। फिर यहाँ पर गर्दन पे भी रखेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पर ब्राइटनेस को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और इसे कम करेंगे, ठीक है, और थोड़ा ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हैंड पे रखेंगे, तो हैंड पे भी हम वही सेम काम करेंगे, ब्राइटनेस को गोल बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पाएंगे, यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे, ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे गर्ल्स वाले पे भी क्या करेंगे, यहाँ पर रख लेंगे और थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे, और इसे थोड़ा सा इस तरह से कम कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करें, इसे भी थोड़ा सा यहाँ पर रख के, और इसे भी सेकंड वाले को भी कम कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर रखेंगे अपने गर्दन पे इसके, और यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे, इसे कम कर लेंगे किसी तरह, और इसे हम लोग क्या करें, इतना कम कर देंगे, ठीक है, और डन कर देंगे, ठीक है। तो अभी देखिए कुछ लेवल का हमारा बहुत अच्छा हो चुका है। अभी देखिए और हम और अच्छा करेंगे, तो अच्छा करने से पहले हम यहाँ पे पोर्ट्रेट पे आ जाएंगे, ठीक है। और पोर्ट्रेट पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करें, फेस को कम कर देंगे, स्किन को कम कर देंगे, और आइज को थोड़ा सा कुछ बढ़ा देंगे, थोड़ा सा हाईलाइट में आ जाए, ठीक है। इतना काम हो गया। फिर से आएंगे डिटेल्स पे, डिटेल्स में शार्पनिंग बढ़ाएंगे, टेक्चर को कम कर देंगे इतना कुछ, ठीक है, और डन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इतना काम होने के बाद यहाँ से हम फोटो को शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद सीधे ले जाएंगे पिकशॉट में, ठीक है। तो चलिए पिकशॉट में आगे, अब देखिए यहाँ पे क्रॉप वाले पे आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से पोस्ट वाले साइज हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से पोस्ट वाले साइज हमारा फिक्स यहाँ पे कर लेंगे, इसे हम लोग एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से बैठा लेंगे, और हम लोग इसे कर देंगे यहाँ से डन, ठीक है। चलिए यहाँ से डन कर दिए, तो हमारा पहले जैसा फोटो हो चुका है, ठीक है। अब देखिए हमने जितना भी पेन जी इसमें अब यूज करेंगे, ठीक है, सारा का सारा आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद हम लोग सबसे पहले ये वाला लेते हैं, कैप वाला, ठीक है, अपने कैप वाला ले, मतलब तिरंगा वाला जो कैप है हमारा वो लगा लेते हैं, पगड़ी यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए इसमें अच्छे तरीके से हम यहाँ पे इसे फिक्स करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से कोशिश कर लिए, यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है ना, और थोड़ा सी इधर बढ़ाने के देख लेते हैं एक बार, इधर थोड़ा सी इस तरह से बढ़ा लेते हैं, और थोड़ा सा एकदम अच्छा और थोड़ा दिखाते हैं इधर अच्छे तरीके से, ताकि हमारा बाल ढक जाए इस साइड का, ठीक है। तो चलिए इतना ही बार हो रहा है, और डन कर लेते हैं इतना ही भाई, ठीक है। अब देखिए इतना पर डन हो गया हमारा। अब देखिए क्या करेंगे,
फिर ऐड फोटो पाएंगे, ऐड फोटो पाएंगे बस ये वाला ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे ठीक है, और ये वाला ले लेंगे ठीक है, और तीनों को ऐड करेंगे ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तीनों ऐड हो गया, तो हम इनको क्या करेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे इस तरह से रख देंगे ठीक है, और यहाँ पे ये वाला क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको इस तरह से रखा देंगे ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे कुछ हम इस तरह से यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से ठीक है और डन कर देंगे। तो गाइस आप लोग बिना स्किप किए हो देखिए, अभी देखिए मैं बहुत कुछ इसमें ऐड करने वाला हूँ PNG और बहुत कुछ बताने वाला हूँ आप लोग को ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ले लेंगे, अब हम लोग ये वाला ले लेंगे ठीक है, ये भी ले लेते हैं अभी ठीक है, और ऐड कर देते हैं ये सारा ठीक है। तो देखिए अभी हमारे यहाँ पे आ गया, तो ये वाला हम लेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम बड़ा करके और यहाँ पे कुछ इस तरह से घर को लगा देंगे ठीक है, और इसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लगा देंगे कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग इस तरह से करके तिरछा थोड़ा लगा देंगे, और यहाँ पे आएंगे तो हम लोग इसे कुछ इस तरह से करके और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बार हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ से इसे थोड़ा सा कर लेते हैं ठीक है, और डन कर देंगे ठीक है। तो देखिए अभी कितना ऊपर अच्छा हो गया, अब थोड़ा सा क्या करेंगे फिर से यहाँ से डन कर देंगे ठीक है ना, और डन कर देते हैं यहाँ से, और फिर से आ जाएंगे ऐड फोटो पे ठीक है। ऐड फोटो पाने के बाद से ये वाला ले लेंगे और ये वाला हम लोग ले लेंगे ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे ठीक है ना। अब देखिए इधर जाने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे प्लस वाले पाए थे और यहाँ पे स्टिकर पर जाने के बाद से हम यहाँ पे एक बार शैडो लिखकर सर्च कर लेते हैं। तो देखिए शैडो में ये वाला आ जाएगा हमारा, तो ये वाला हम लोग क्या करेंगे इस तरह घुमा देंगे पूरा तरह से, और इसको हम लोग क्या करेंगे पूरा बड़ा कर लेंगे और इस तरह छोटा कर देंगे, और यहाँ पर लाकर इस तरह से हम बैठा लेंगे ठीक है अच्छे तरीके से। अब देखिए बैठाने के बाद से ये वाला हमारा जो है यहाँ पे हम लोग क्या करें इसे भी लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम इसे ऊपर ऑफ कर लेते हैं ठीक है, यहाँ से चलिए ऑफ कर लेते हैं, और यहाँ से एक बार और ऑफ करते हैं ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर रख लेंगे ठीक है। फिर ये वाला लेंगे, सॉरी ये वाला हम लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहा है ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं अभी ठीक है। अब देखिए अब हम लोग ये वाला ले लिए ठीक है ना, अब यहाँ से हम लोग ये वाला भी ले लेते हैं, तो ये देखिए इसे भी हम क्या करते हैं यहाँ से ऑफ कर लेते हैं ठीक है, यहाँ पर आते हैं और ऑफ कर लेते हैं, मूव ऑफ कर लेते हैं, यहाँ मूव ऑफ हो गया। अब हम लोग इसे एकदम अच्छे तरीके से यहाँ को हम लोग क्या करेंगे बैठा लेंगे ठीक है, और यहाँ से डन कर लेंगे। तो गाइस जितने भी हमारा PNG था सारा का सारा मैंने ऐड कर लिया, अब हमारा काम बचा है क्या, फोटो को थोड़ा और भी अच्छा बनाना और भी ज़्यादा HD क्वालिटी में बनाना, तो अब हम उस पर काम करेंगे ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ड्रॉप आ जाएंगे, और ड्रॉप पे जाने के बाद यहाँ पे इस पर आ जाएंगे और फोटो को हम लोग कर लेंगे यहाँ से सेव। तो गाइस आप लोग मैं फिर से बता दूंगा जितना भी सारा मैंने यहाँ पे PNG यूज किया है सारा का सारा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ठीक है मैं यहाँ पे चलता हूँ इसे शेयर करूँगा, और शेयर करने से सीधे फोटो ले चलूँगा लाइटरूम में ठीक है। यहाँ चलिए मैं एक बार और इसे शेयर करता हूँ लाइटरूम में लेकर चले जाता हूँ। अब देखिए अब यहाँ से मैं वेट करता हूँ यहाँ पे लाइटरूम में फोटो जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो देखिए यहाँ पे मेरे लाइटरूम में फोटो आ चुका है। अब देखिए यहाँ से बैक कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे चलिए यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे देखिए मेरा फोटो आ चुका है ठीक है ना। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसे इतना कुछ बढ़ा लेंगे, इसे इतना कम करेंगे, और फिर से आएंगे इस पर तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए अब हम जैसे चाहे वैसे कलर अपने फेस को दोनों को कर सकते हैं ठीक है ना, कहते हैं हम लोग कुछ इतना रहने देते हैं, और इस तरह से देखिए हम जैसे चाहे वैसे कलर आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो हम लोग कुछ ऐसे ही कलर रहने देते हैं यहाँ से, और हम लोग यहाँ से थोड़ा सा इसे थोड़ा सा बढ़ा कम बेस कर लेते हैं और डन कर देते हैं ठीक है। अब देखिए इतना काम होने बस इफेक्ट पाएंगे, क्लियरिटी को थोड़ा सा इतना बढ़ा लेंगे, टेक्सचर को इतना कम कर लेंगे, और फिर से आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे डिटेल्स पे शार्पनिंग इतना बढ़ा लेंगे, और यहाँ से फोटो को हम लोग कर देंगे सेव। तो गाइस जल्द जल्द जाइए आप भी ऐसा फोटो बनाइए, और कमेंट जरूर करें गाइस कि आप लोग को ये फोटो एडिटिंग मेरा कैसा लगा, और गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं ठीक है ना गाइस, भूले ना, और जो भी चैनल पर नए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो। देखिए गाइस कितना अच्छा मैंने फोटो यहाँ पे बनाया हुआ है गर्ल के साथ, तो जल्द से जल्द आप भी बनाइए। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय गाइस।